तो गाइस यार इतने दिनों से हमने इतनी सारी चीजें खरीदी, हम इतने ज्यादा अमीर थे कि हमने डायमंड कैसीनो खरीदा, फिर रेस्टोरेंट भी खरीदा, फिर उसके बाद वाटर पार्क भी खरीदा, फिर उसके बाद हॉस्पिटल भी खरीदा, फिर उसके बाद एक उड़ता हुआ गुब्बारा भी खरीदा, उसके बाद हमने डंप यार्ड भी खरीदा जहाँ पे कचरा फेंकते हैं, पता नहीं क्यों लिया था याद नहीं है। तो इतनी सारी चीजें खरीदने के बाद मेरा बैंक बैलेंस हो गया सिर्फ $200। उसके बाद शिनचैन पता नहीं कहाँ से टपका और वो लेके आया मेरे लिए एक चैलेंज। अरे विकी मैं, आपके लिए एक चैलेंज है, हमारे इस घर पे $100 बिलियन खर्च करो, फिर देखते हैं क्या होता है। तो गाइस यार शिनचैन का चैलेंज है इस हमारे घर को $100 बिलियन डाल के अपग्रेड करने का। तो उस चैलेंज को हम एक्सेप्ट करेंगे और इसको अपग्रेड करेंगे। उसके लिए हमें $100 बिलियन चाहिए होंगे। अरे विकी मैं, सारे के सारे वर्कर आ चुके हैं। क्या वर्कर आ भी गए? अरे विकी बाहर चलो, सारे वर्कर आ गए। चलो गाइस फटाफट से देखते हैं जो कि हमारा घर अपग्रेड करने वाले क्या वो लोग आ चुके हैं। इतने सारे लोग, अब इतने सारे लोग मेरा घर अपग्रेड करेंगे क्या? अरे तुम्हारा मैनेजर कौन है? मैं हूं सर, बोलिए क्या हो गया? इतने सारे लोग क्यों बुलाए मेरा घर अपग्रेड करने के लिए? अरे सर, अब $100 बिलियन खर्च कर रहे हो तो ये तो बहुत ही कम लोग है, सिर्फ 150 लोग है। क्या 150 लोग? सर इन लोगों को बहुत ही ज्यादा भूख लग रही है, इनके लिए फटाफट से पिज्जा ऑर्डर कर दो। हाँ ठीक है करता हूँ। अब ये शिनचैन क्या करवा रहा है? मेरे आखिरी $200 भी खत्म होने वाले जो कि मेरे बैंक अकाउंट में थे। हाँ हेलो, मुझे 100 पिज्जा चाहिए। अरे पैसे मैं ही दूंगा, और कौन देगा? हाँ जल्दी भिजवाओ। तो कहा जाए यहाँ पे सारे के सारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए आ चुके 100 पिज्जा। अरे सर 150 लोग हैं और 100 पिज्जा, इनसे क्या होगा? अरे ये तो खाओ, मंगवाता हूँ। ओके सर, जल्दी जल्दी खा लो। अबे शिनचैन ये सब तेरी वजह से हो रहा है। एक सेकंड, ये आवाज कहाँ से आ रही है? विकी मैं, ये तो पुलिस सायरन की आवाज है। लगता है आसपास कोई पुलिस घूम रही है। अरे कैसे, ये तो पुलिस की आवाज है। यहाँ पे फ्रैंकलिन कौन है? ये पुलिस तो मेरे घर पे आ गई, भागो। अरे कैसे, मुझे यहाँ से भागना चाहिए। ये पक्का पुलिस मुझे पकड़ने आई होगी, क्योंकि आपको तो पता है मैंने इतनी सारी चीजें खरीदी थी, उसके लिए मैंने बहुत सारे बैंक रॉबरी भी करी थी, तो लगता है मुझे पकड़ने आ गए। रुको, मैं यहाँ पे छुप जाता हूँ, इनको पता नहीं चलेगा। इस खड्डे में घुस जाता हूँ, इनको बिल्कुल भी पता नहीं चलने वाला। ये फ्रैंकलिन का बच्चा फिर से भाग गया, इस बार इसको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। ढूंढो ढूंढो हर जगह ढूंढो। अरे इनको पता नहीं चल रहा है मैं इनके पीछे खड़ा हूँ। यहाँ पे क्या कर रहे हो? आप वैसे भाग क्यों गए थे? अबे शिनचैन के चक्कर में मुझे पुलिस वालों ने पकड़ लिया। फ्रैंकलिन आखिरकार तुम पकड़े गए, डालो इनको जेल में। बैंक रॉबरी, कार रॉबरी, लोगों को मारना, लोगों की चोरी करना, लोगों के घर की चोरी करना, इतने सारे केस तुम पर, तुम हमेशा के लिए जेल में रहोगे। नहीं नहीं नहीं, मुझे जेल में नहीं रहना, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। तुमसे मिलने को आया है। मैं कहाँ पे हूँ? मैं आ गया। अबे शिनचैन के बच्चे, अगर तू उनको बता देने की मैं छुपा हुआ हूँ तो मुझे ढूंढ नहीं पाते। मैं गलती से मिस्टेक हो गई, इधर आओ। अबे क्या इधर आओ, मैं नहीं आ रहा। मैं इधर तो आऊँ। अबे क्या चाहिए? विकी मैं ये लो, मैं खतरनाक चीज लेके आऊँ। क्या लाया? अबे क्या लाया है? एक सेकंड, नाइफ। अरे रुक जा, इसको जल्दी से उठा लेते हैं। अरे विकी मैं जल्दी बाहर मिलते हैं, चलो चलो चलो, विकी मैं थोड़ी देर में बाहर आ जाएंगे। तो कहे सर, अभी मुझे ये नाइफ मिल चुका जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसकी मदद से मैं जेल से बाहर निकलने वाला हूँ। अब मैं ये बैठ के लोहे की रॉड तो काटने नहीं वाला, पर मेरे पास एक और ही बढ़िया प्लान है। अंकल अंकल, पुलिस अंकल मेरी मदद करो। अरे क्या हो गया? अरे अंकल यहाँ पे कॉकरोच है। कॉकरोच तो यहाँ पे बहुत है, तुमको ऐसे ही रहना पड़ेगा। अंकल अंकल, मुझे कॉकरोच से डर लगता है, अंकल मुझे बचा लो। कहाँ है कॉकरोच? कॉकरोच को मैं पकड़ लेता हूँ। अंकल पकड़ो पकड़ो ये ले। अरे कैसे फटाफट से पुलिस वाले को मारते हैं और उसकी फटाफट से गन उठाते हैं। चलो कैसे, टाइम आ चुका यहाँ से निकलने का। 3 2 1 अबे हट जाओ, पकड़ो पकड़ो भाग रहे, तुम मुझे कभी नहीं पकड़ पाओगे। चलो कैसे फटाफट से पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते हैं, सामने वाला शिनचैन वेट कर रहा है। चलो फटाफट चलते हैं शिनचैन, भगा भगा। अरे विकी मैं चलो चलो कैसे फटाफट से यहाँ से निकलते अपनी बाइक पे। अरे विकी मैं प्लान तो अच्छा था ना? प्लान तो तेरा शिनचैन बहुत ज्यादा अच्छा था, पर अभी भी हमारा चैलेंज बाकी है $100 बिलियन ढूंढने का, जिससे हमारा घर अपग्रेड हो सके। तो गाइस सर, हमारे घर को अपग्रेड करने के लिए हमें $100 बिलियन चाहिए। इसके लिए हम आ चुके ज्वेलरी शॉप रॉब करने। गाइस सर अभी हम इधर घुसने वाले, हट जाओ गार्ड, तुम सबको मार दूंगा। तो गाइस सर अभी यहाँ पे मैं अकेला हूँ, क्योंकि शिनचैन के यार कपड़े नहीं मिल रहे थे, मतलब मास्क वाले, वरना मैं उसको भी लेके आया था। अभी हमें सारे के सारे गार्ड्स को मारेंगे, इतने सारे गार्ड थे, सभी को मैंने मार दिया। रुको, यहाँ से गोली कहाँ से चल रही है? अबे ये भी जिंदा है, चलो इसको ही मार दिया। चलो गाइस सर, इतनी सारी ज्वेलरी, ये सारी की सारी हमारी होने वाली है। फटाफट से इन सबको तोड़ते हैं और निकालते इनमें से ज्वेलरी, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, इतनी सारी ज्वेलरी। एक सेकंड, ये पुलिस वाले इतनी जल्दी आ कैसे गए? अरे गाइस यहाँ पे तो ऑलरेडी पुलिस वाले आ चुके हैं, अभी तो मैंने बस लूटना शुरू ही किया था। रुको रुको, देखने तो और कहाँ पे और पुलिस वाले हैं क्या? गाइस यार मेरे पास एक आइडिया है, मैंने एक बार कैमरा लगा दिया, उसमें से आप देखते रहो और मुझे बताते रहो कहाँ कहाँ पे पुलिस वाले और कितने पुलिस वाले। फटाफट से कमेंट करके बताओ कितने पुलिस वाले बाहर है। और अभी
मैंने सारी की सारी ज्वेलरी शॉप लूट लिए। फटाफट से इनको मारते और अब हम यहाँ से निकलने वाले हैं। जल्दी जल्दी इनको मारते, हट जा पुलिस वालों। गाइस अभी इन सबको मैं मारते जा रहा हूँ, जब तक आप लाइक और सब्सक्राइब करते रहो। और फटाफट से अपनी गाड़ी में बैठते और निकलते हैं यहाँ से। गाइस अभी थोड़ी देर तक हमारे पीछा पुलिस करने वाली है और सामने से पुलिस आ गई। बच गया बच गया बच गया, उसके अगर अंदर बैठ जाता तो मुझे बहुत मारते। गाइस सामने ऊपर हेलीकॉप्टर चल रहा है, पीछे बहुत सारी पुलिस की गाड़ी आ रही है। मुझे शॉर्टकट्स लेने पड़ेंगे ताकि मुझे कोई ढूंढ ना पाए। और गाइस इसकी मैंने प्रैक्टिस पहले भी बहुत करी थी और बिल्कुल सही से लैंडिंग कर दी है। पुलिस वाली गाड़ियों से तो हमारा एस्केप हो चुका है, बस अब इस हेलीकॉप्टर से भी एस्केप कराना पड़ेगा। एक काम करते हैं, ब्रिज के नीचे चलते हैं। तो गाइस पुलिस से एस्केप कराने के बाद हम आ चुके हैं लेस्टर के घर पे। उनको सारी ज्वेलरी दे दिए और उसने हमने अगली चोरी के बारे में भी बता दिया है। तो गाइस अभी हम करने वाले एक बैंक में चोरी, और जो पुरानी वाली कार्ड थी उसको बिल्कुल यूज नहीं करेंगे, ये पुलिस वालों को पता चल जाएगा। इसलिए मैं ये वाली गाड़ी यूज करने वाला हूँ, ये भी चोरी करके जाऊंगा तो किसी को पता नहीं चलेगा किसकी गाड़ी है। चलो फटाफट से बैंक रॉबरी करते हैं। तो गाइस अभी हम बैंक पर पहुंच चुके हैं, फटाफट से अंदर घुसते हैं और जो भी देखेगा सबको मैं मारने वाला हूँ, किसी को नहीं छोड़ूंगा। ए सिक्योरिटी गार्ड हट जाइए, ले ये टकले को मारा, दूसरे टकले को मारा, कोई हिलेगा नहीं, सबको गोली मार दूंगा। अरे ये अलार्म कौन बजा रहा है? अरे गाइस लगता है किसी ने अलार्म बजा दिया, उसको तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। किसने बजाया अलार्म? फटाफट से ये गेट खोलते हैं, अंदर घुसते हैं। अरे यहाँ पे तो चार जने, एक काम करते हैं सबको मार देते, जिसने भी अलार्म बजाया होगा उसकी तो हालत खराब। चलो गाइस इन चारों को मार दिया, अभी हम आ चुके यहाँ पे। और ये बड़ा वाला गेट है जिसको हैक करना होता है, पर मेरे पास एक और आइडिया है। इसमें लगाएंगे बॉम्ब, साइड में जाएंगे, 1 2 3 ब्लास्ट। और गाइस हमने इसको ब्लास्ट कर दिया, ये गेट खुल चुका है, दूसरा गेट भी खुल चुका है और हम आ चुके बैंक के अंदर। और यहाँ पे तो बहुत सारा गोल्ड है। चलो गाइस फटाफट से सारा का सारा गोल्ड जमा करते हैं। मैंने लेसर से बात करी थी, उसने बोला 34 बिलियन डॉलर हमें मिल चुके हैं और हमें चाहिए 100 बिलियन डॉलर, तो इसलिए हमें गोल्ड चुराने आ चुके हैं। तो गाइस 100 में से 34 जाते तो कितने बचते? फटाफट से कमेंट करो, उतने का हमें गोल्ड चाहिए। फटाफट से सारा का सारा गोल्ड उठाते हैं, फिर आपसे बैंक के बाहर मिलते हैं। उठाओ उठाओ उठाओ, सारा का सारा गोल्ड उठा लेंगे। तो गाइस सारा गोल्ड हमने अपने बैग में डाल लिया है और गाइस बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। मुझे लगता है 100 बिलियन डॉलर हो जाएंगे, बस बाहर बहुत ही ज्यादा पुलिस मिलने वाली है। अरे बोलते ही तो सामने आ गए, मारो मारो मारो। एक काम करता हूँ, इनकी गाड़ी में बैठ जाता हूँ। जो मेरी गाड़ी थी वो बहुत ही ज्यादा स्लो थी, पुलिस वालों की गाड़ी बहुत ही ज्यादा फास्ट होती है। फटाफट से अपनी इस गाड़ी को भगाते हैं और मुझे मिल चुके 68 बिलियन डॉलर इन गोल्ड। तो गाइस हमारे पास थे पहले 34, अब ये 68, फटाफट से प्लस करके बताओ कितने हो चुके हैं? मुझे लगता है 100 बिलियन से ज्यादा हो गए। और एक गाड़ी तो गोल गोल घूम रही है। एक काम करते हैं, इस गाड़ी को हवा में उड़ाते रहते हैं ताकि कोई भी पुलिस वाला हमें पकड़ ना पाए। ये पुलिस वाली गाड़ियों से बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है, हवा में भी उड़ती है, बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। अब तो आराम से पुलिस एस्केप भी करा लेंगे, कोई पुलिस वाला हमें देख भी नहीं पाएगा। चलो गाइस फटाफट से मुझे 68 और 34 प्लस करके बताओ जब तक हम पुलिस एस्केप कराते हैं। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं है तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। What's up, babies? तो गाइस हमारा नया घर तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। जो हमारा पुराने घर को अपग्रेड किया 100 बिलियन डॉलर, देखिए उन्हें पूरा का पूरा पास्ट का एनवायरनमेंट ही चेंज कर दिया। पहले हमारे वहां इतने सारे घर थे, उन सबको खरीदा, तोड़ा फोड़ा और वहां पेड़ उगा दिया और पूरा माउंटेन बना दिया। मतलब हमारा बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाला घर मिल चुका है। यहाँ पे दो दो इस घर की एंट्रेंस है, फटाफट आपको दिखाता हूँ इस घर में क्या क्या खतरनाक है। यहाँ पे गार्डनर है जो कि ड्रिलिंग कर रहा है। और गाइस ये घर से हमें बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अब इसके अंदर जाने का रास्ता से रुको पूरा मेन गेट। तो गाइस हमें मिल चुका है हमारा मेन गेट। और एक सेकंड, ये सारा घर बनाने का सामान इधर क्यों पड़ा है? लगता है सबके सब जने छोड़ के जा चुके। तो गाइस आज सबका स्वागत है हमारे नए घर में। और ये का सीधा बार सेक्शन में आ चुका है। यहां पे अलग-अलग तरह की बोतलें पड़ी है जिनको हम बिल्कुल देखेंगे नहीं। ये हमारा मस्त सा किचन और बार सीचन मजे कर रहा है बहुत सारे गोल्ड के साथ। ये हमारी मस्त सी डाइनिंग टेबल। फटाफट चलते नीचे वाले फ्लोर पे, इसमें बहुत सारे फ्लोर है, ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह फ्लोर ही फ्लोर है। ये हमारा एक और पार्टी है जहां पे एक और बार है, पूल टेबल है और बैठने का मस्त सा एरिया है। चलो फटाफट से ऊपर चलते हैं, आपको पूरा का पूरा घर दिखाता हूं इस घर में क्या क्या है। ये तो हमने देख लिया। और यहाँ पे क्या है? हमारा पर्सनल जिम। ये कितना ज्यादा खतरनाक है, इस घर में तो जिम भी है। तो गाइस हमने इस घर पे खर्च किए 100 बिलियन डॉलर। आप फटाफट से कमेंट कर दो वर्थ है कि नहीं इस घर पे 100 बिलियन डॉलर खर्च करना। प्राइवेट सिनेमा थिएटर, ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और ये तो हमारा गैराज था जहाँ पे हमारी बुगाटी खड़ी है जो हमें घर के साथ फ्री मिली है। और गाइस ये हमारा बाथरूम, इधर
इधर हमको जाना नहीं है अभी, चलो गाइस देखते हैं और घर में क्या क्या है। और ये हमारा ऑफिस रूम जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और ये क्या है भाई, ये कौन सी जगह है? और यहाँ पे मेरी ज्वेलरी पड़ी है। और गाइस मैंने ज्वेलरी के पैसे भी नहीं दिए, लगता है 100 बिलियन डॉलर में इंक्लूडेड थी। और यहाँ हमारा बाथरूम जहाँ पे लगता है अभी भी काम चल रहा है। और गाइस ये रही हमारी मस्त सी बालकनी जहाँ से खतरनाक से व्यू आते हैं। ये हमारा मस्त सा बेडरूम, फटाफट से कमेंट करो कैसा लग रहा है। और यहाँ पे शिनचैन बैठा है। अरे फेकी में ये क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, मैं सारा नन्हे को दीदी को दे दूंगा। अब शिनचैन दे 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 अपने बाप बहुत ही बजाय। ये हमारा मस्त सा स्विमिंग पूल, ये हमारा वाटरफॉल। और ये कहाँ आ गए, गलत जगह आ गए, यहाँ पे बिल्कुल देखना मत। और गाइस ये हमारा बस सा डीजे, यहाँ पे डीजे पार्टी होती है, स्विमिंग पूल में कूदो और फुल मजे करो। तो गाइस फटाफट से कमेंट करो तुम्हारा घर आपको कैसा लगा। और हमारे पास एक गोल्डन हेलीकॉप्टर भी है जिसमें अभी मैं जाने वाला हूँ घूमने। अगर आपको हमारे गोल्डन हेलीकॉप्टर में घूमने हमारे साथ, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 1 मिलियन सब्सक्राइबर पे मैं लूंगा 1 मिलियन गोल्डन हेलीकॉप्टर और आप सबको साथ में घुमाऊंगा लॉस सैंटोस में। तो गाइस आज की वीडियो से भी अगर आपको आज की वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पता नहीं इसलिए वीडियो फटाफट से कमेंट करके बता दो। और गाइस इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड डिस्क्रिप्शन में वहां पर जाकर जाना फॉलो करना। और गाइस हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।